अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मिका वो शादी के बाद केसर का नया रूप देखने को मिल रहा है ना? कैसा रूप बा? वो रूप जो घर की मर्यादा और काम की जिम्मेदारियों को साथ साथ निभा सकता है, जीवन के दोनों हिस्सों में संतुलन बिठा के रख सकता है, जो अपने फैसले खुद ले सकता है। ऐसा नहीं कि पति ने कहा कि ऑफिस चली जाओ तो ऑफिस चली गई, और पति ने कहा कि वापस आ जाओ तो वापस आ गई। ये तेरे दिए हुए संस्कार है अंबिका बहू, उसी से बना है इसका ये रूप। आज की आत्मनिर्भर, आजाद और संस्कारी बेटी है हमारी केसर। बिल्कुल सही कहा आपने बा, बहुत खुशी होती है जब बच्चे अपने फैसले लेने के लिए अपने जीवन साथी पर निर्भर नहीं रहते, अपने फैसले खुद लेते हैं, खुद पर भरोसा करके। मैं तो ये चाहूंगी कि ध्रुवी और रिद्धि भी केसर से ये बात सीखे। मासू, मैं अकेली इतनी तारीफ को डिजर्व ही नहीं करती हूँ, क्योंकि आजाद होकर खुद के फैसले लेने के लिए मेरे लिए स्पेस तो मेरे पार्टनर ने क्रिएट किया है ना। आपको पता है सूरज मेरे काम के लिए खुद इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं खुद ही मोटिवेट हो जाती हूँ। मैं दवाइयाँ मंगवाती हूँ। Not this. मैं नहीं चुनूंगा कि आप दोनों में से किसका ग्लास लूं और किसका नहीं। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने माँ और पत्नी के बीच किसी एक को प्रायोरिटी दे दी। सास बहू के बीच में मेरी वजह से झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपके और मासू के बीच की यही दूरी मिटानी है मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप मासू के इतने करीब आ जाए कि अपनी माँ से बढ़कर आपके लिए इस दुनिया में और कोई भी ना हो। कैसी बातें कर रही हो तुम ध्रुवी? फिर प्यार का चांस के ऊपर होता है क्या? हम आज भी केसर से प्यार करते हैं। प्यार है ना, मन में किसी खिले हुए फूल की तरह होता है, एक बार हो गया तो हो गया। ध्रुवी, कब से ढूंढ रही थी तुझे? आजकल हुआ क्या तुझे? हाँ, खोई खोई सी रहती है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है माँ, मैं तो बस। ध्रुवी, क्या हुआ है बेटा, तू ठीक है? हाँ माँ, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।